Student, today we see the types of stable system in control system. Okay, so see the types of stable system. The first one, it is the critical or marginally stable system. Okay, in this we see this is the bounded input. Okay, and this bounded input has a non-decaying output. Okay, as a non-decaying output जो मिलता है इसमें क्या मिलता है, non-decaying output. और इसमें input कैसा रहता है, bonded रहता है. Okay, so see the first, that is a linear time invariant system is called critical or marginally system. जो भी linear time, ये जो linear time invariant system है इसको हम क्या बोलते हैं, that is critical or marginally system. If it generates oscillations with constant amplitude and frequency for bonded input. इसमें क्या होता है, क्या generate होता है, oscillation with constant amplitude and frequency for bonded input. Input तो obviously इसमें bonded रहता है, लेकिन यहाँ पे जो output generate होता है वो क्या होता है, oscillations होता है with constant amplitude and frequency. Okay, so see next point, if this system output oscillates in finite range and remains constant at the same value. इसमें जो output होता है, जो oscillations होते हैं उसकी जो range होती है वो कैसी होती है, finite होते हैं. और at a time, means उसी time पे जो क्या होते हैं, उसकी जो value हो जाती है, value क्या हो जाती है, remains constant हो जाती है. Okay, ये system है. Next देखो क्या है, if for critically stable system one or more pairs of non repeated roots are located on imaginary axis. Okay, isme jo critically stable system hai ye isme kya hota hai, one or more jo bhi pairs hai apne non repeated roots ke wo kahan pe locates hote hai, imaginary axis pe. Okay, see the next one, it is the location of roots in S plane for critically stable system. ये जो है location of roots ये किसका है, critically stable system का है. अभी इसमें जो है क्या क्या दिख रहा है आपको, S plane है और जो भी root location है, location of roots for critically stable system वो कौन से axis पे है, only imaginary axis पे. Okay, see the next one, it is the conditionally stable सिस्टम. ओके, अभी इसमें क्या है देखो, फर्स्ट पॉइंट, अ लीनियर टाइम इन्वेरेंट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ कंडीशनली स्टेबल सिस्टम. जो भी लीनियर टाइम इन्वेरेंट सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम बोलेंगे. अभी क्या है, इफ़ स्टेबिलिटी ऑफ द सच सिस्टम डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन. इसकी जो स्टेबिलिटी है सिस्टम की वो किस पर डिपेंड रहती है, कंडीशंस पर डिपेंड रहती है. ओके, ऑफ पैरामीटर सिस्टम. ओके, जो भी कंडीशंस है अपने सिस्टम में, जो भी पैरामीटर्स है उसके ऊपर ये कंडीशनली स्टेबल सिस्टम डिपेंड रहती है. ओके, सो सी द नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम फॉर सेम बॉन्डेड इनपुट. इसमें क्या होता है, आपका जो इनपुट है सेम बॉन्डेड होता है और जो आउटपुट है क्या होता है, द आउटपुट इज बॉन्डेड फॉर अ सर्टन कंडीशन. मीन्स जो भी आउटपुट है वो सर्टन कंडीशन में बाउंड रहता है ऑफ ए पर्टिकुलर पैरामीटर. ठीक है, इफ़ द कंडीशन ऑफ पैरामीटर चेंजेस, मीन्स अगर कंडीशन ऑफ पैरामीटर अगर चेंज हो गया, देन सम बॉन्डेड इनपुट द बिकम्स अनबॉन्डेड. जो भी बॉन्डेड इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो क्या हो जाएगा, अनबॉन्डेड हो जाएगा. ओके, सो इसमें जो क्या होता है, स्टेबिलिटी रहती है सिस्टम की वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, कंडीशन ऑफ पैरामीटर सिस्टम. ओके, सो यही चेंज है दोनों के इसमें. जो हम लोगों ने क्या दो जो है स्टेबल सिस्टम देखे, क्रिटिकल और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, और जो सेकेंड देखे हमने कंडीशनली स्टेबल सिस्टम. ओके, दिस इज द टाइप्स ऑफ स्टेबल सिस्टम. डिटेल एक्सप्लेनेशन इज हियर. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.